आज हम आपको बेहद ही खास मेहमान से रूबरू कराएंगे। इनको फिल्म फेयर अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड और आईफा जैसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपने जो लिखा है उन तक पहुंचने वाला है, जो एक लेखक किताब कभी नहीं पहुंचेगी, एक साहित्यकार की किताब कभी नहीं वहां पहुंचने वाली जहां आपका फिल्म पहुंचने वाली है। जब ये पहली बार हिंदुस्तान में बेस्ट कॉपीराइटर का अवार्ड शुरू हुआ एडवर्टाइजिंग में, तो मैंने 5 साल तक किसी को जीतने नहीं दिया। कमलेश जी, आपका फिक्की फ्लो और रेणुका टंडन जी, चेयरपर्सन फ्लो लखनऊ कानपुर चैप्टर, उन सब की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपसे बताना चाहूँगा, कमलेश जी हिंदी सिनेमा में पटकथा के लिए वैसा ही नाम है जैसे पॉपुलर फिल्म सॉन्ग के लिए आप आनंद बख्शी को आवाज़ देते हैं। आप आनंद बख्शी को याद करें तो ढेरों सुपरहिट सदाबहार म्यूजिकल फिल्म की याद आती है आपको, और जब आप कमलेश पांडे जी का नाम लें तो आपको ऐसे ही कुछ बहुत पॉपुलर फिल्मों की पटकथाएं याद आती हैं जिसमें तेजाब, दिल, सौदागर, खलनायक, रंग दे बसंती जैसी फिल्में हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं लखनऊ की तरफ से, अवध की तरफ से, और ये बताना चाहूंगा कि खुद उत्तर प्रदेश से हैं कमलेश जी, मुंबई में बसे हुए हैं, और आपका खैर मकदम स्वागत फिक्की फ्लो में। लेखक के पहले कोई फिल्म या टीवी शो सिर्फ कोरा कागज होती है जिसे भरना सिर्फ लेखक को आता है, न एक्टर को आता है, न डायरेक्टर को आता है, न प्रोड्यूसर को आता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, हॉलीवुड में अगर आपने नाम सुना हो स्टीवन स्पीलबर्ग, जो बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनका एक स्टेटमेंट है कि अगर हमारे लेखक नहीं लिखें तो हॉलीवुड में किसी के पास कोई काम नहीं होगा, सब बेकार हो जाएंगे। मैं तो विज्ञापन व्यवसाय में था और मुझे फिल्मों में या टीवी में आने का कोई खास विशेष रुचि नहीं थी मेरी, ना कोई खास झुकाव था। हुआ ये कि मेरे मित्र जो हैं मिस्टर पंकज पराशर, वो मेरे लिए कुछ एड फिल्में वगैरह बनाया करते थे एडवर्टाइजिंग में, तो उन्होंने कहा कि यार मैं एक सीरियल बना रहा हूँ करमचंद, लिखोगे? मैंने कहा मुझे आता नहीं टीवी लिखना, मगर ठीक है दिखाओ क्या करते हैं। और इस तरह वो खेल खेल में काम शुरू हुआ कि मेरे घर पे आए, चाय पी रहे हैं, चलो यार ऐसा कुछ करते हैं। और वो पूरा जो सीरियल था वो ऐसे लिखा गया, आपको यकीन नहीं होगा, कल सुबह 9 बजे शूटिंग है सीरियल की और स्क्रिप्ट का पता नहीं है। रात को पंकज पराशर और पंकज कपूर दोनों मेरे घर आते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, थोड़ी वाइन पीते हैं, यार कल शूटिंग है, 9 बजे की शिफ्ट है, स्क्रिप्ट का पता नहीं है, क्या किया जाए। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, लेट अस सी कि भाई इस कहानी में व्हाट विल बी द क्लू, वो खूनी का पता कैसे लगेगा कि कौन मर्डर कर रहा है। तो मान लो खूनी का जो सबूत है, क्लू है, वो एक लेडीज सैंडल की एड़ी में चिपकी हुई घड़ी का सेकंड हैंड है, यहां से बात शुरू होती थी। अच्छा, फिर और ये आगे बातचीत की, भाई वो मर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ वगैरह वगैरह। करीब 12 बजे ये दोनों महापुरुष जो है वापस घर चले जाते थे मुझे अकेला छोड़ के, और मैं बैठ के सुबह 5 बजे तक स्क्रिप्ट लिखता था 12 बजे के बाद, और ठीक 9 बजे शूटिंग शुरू हो जाती थी। सारे एपिसोड इसी तरह लिखे गए और इस तरह शूट हुए कि बनते बनते उसमें कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि चलो यार कुछ महान काम किए जा रहे हैं। अब ये हुआ कि हाँ, लोगों को अचानक बहुत पसंद आ गया क्योंकि एक अलग टाइप का, अलग ढंग का सीरियल था, और वो जो समय था, जो मैं मानता हूँ कि हिंदी हिंदुस्तान के टीवी के इतिहास में वो मेरे ख्याल से स्वर्ण युग था। अगर आपको याद हो, जो लोग इस उम्र में हैं, कि बुनियाद हो, हम लोग हो, ये जो है जिंदगी हो, महाभारत हो, रामायण हो, गोविंद रानी की तमस हो, एक से एक अद्भुत जो टीवी सीरियल थे उस वक्त जो हिंदुस्तान ने दिया टेलीविज़न को, दोबारा फिर वो युग आया नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं है, आज तो बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी फिल्म रंग दे बसंती का उदाहरण दूँ, एक किताब थी भगत सिंह की चिट्ठियों की,
जो उन्होंने अपने बाप को लिखे थे, और 22 साल का लड़का जो अभी एक महीने के बाद फांसी पर झूलने वाला है, एक महीने बाद ही फांसी पर लटकने वाला है, भगत सिंह, 22 साल का लड़का भगत सिंह, वो लिखता है कि आज़ादी का मतलब ये नहीं कि गोरे जालिमों की जगह काले जालिम आ जाएं, और काले जालिम आ गए तो हम उनके साथ भी वही करेंगे जो अंग्रेज़ों के साथ कर रहे हैं, मतलब जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। रंग दे बसंती में कैसे जो किरदार हैं भगत सिंह और बिस्मिल और अशफाक, सब सारे किरदार उन लड़कों पे हावी जाते हैं, एंड दे स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग। एक अच्छी पटकथा किस तरह बनती है, लिखी जाती है, उसको आप खोलेंगे तो बेहतर होगा। और ये बात ज़रूर बताइएगा कि मैं, ये मेरा सवाल है आपसे अलग से, कि आप एक बहुत ही शानदार विज्ञापन लिखने वाले शख्स रहे हैं, कोई चीज़ बेची कैसे जाती है वो कमलेश पांडे को बिल्कुल ठीक से पता है, तो फिल्म कैसे बिकेगी ये आपको पता है, वो बताएं। इसमें कोई बहुत महान सीक्रेट नहीं है कि कोई चीज़ कैसे बेची जाती है, हम सब अपने को बेचते हैं, बेच रहे हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, हर चीज़ जुड़ती है, क्योंकि हम अपने आप को बेचना चाहते दूसरों के सामने कि देखो मैं फला हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ऐसे कपड़े पहने मतलब मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ मतलब मैं ऐसा हूँ, हम सब एक दूसरे को अपने आप को बेच रहे हैं, यही संबंध है। और विज्ञापन व्यवसाय में सिर्फ यही होता है कि आप एक सामने एक शैम्पू होता है, साबुन होता है, कोई ट्रैक्टर होता है, कुछ होता है, और वही फार्मूला वही होता है कि ठीक है मान लो कि जो साबुन है ये साबुन नहीं है, ये एक इंसान है। बल्कि मैं जब मैं जी टीवी में गया, जब शुरू हुआ जी टीवी, तो आई वॉज द हेड ऑफ प्रोग्रामिंग, और हमारे सामने वो दूरदर्शन था फ्री टू एयर, अब उसका मुकाबला कैसे करना, और ये कैसे बताने कि जी क्या है, सैटेलाइट जो चैनल है वो क्या चीज़ है। मैंने कहा हम जी को बेचेंगे एक इंसान की तरह, तो हमने जी को एक पर्सनैलिटी दी। ये मैं 1992 की बात कर रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को याद हो जब जी शुरू हुआ था और वो कैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। तो आप एक मुर्दा चीज़ों को भी ज़िंदा कर देते हैं, उसमें जान डाल देते हैं, उसको अलाइव कर देते हैं, और फिर वो चीज़ आसान हो जाती है कि उसको, चाहे वो रैपर हो, चाहे उसके गुण हो, जो भी हो। दूसरी बात ये कि एडवर्टाइजिंग जो है इट इज़ ट्रेस पासिंग, ये आप अखबार विज्ञापन देखने के लिए नहीं पढ़ते, न टीवी विज्ञापन देखने के लिए देखते हैं, विज्ञापन जो है हर मीडिया में, माध्यम में एक ट्रेस पासिंग है, ज़बरदस्ती घुसाव है। कोई भी शख्स टीवी ऐड देखने के लिए नहीं देखता, न अखबार ऐड देखने के लिए पढ़ता है, तो आप ऐसी सीमा में घुस रहे हैं जहां आपका घुसना निषेध है, ट्रेस पासिंग है। तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस माध्यम, वो माध्यम जितना इंटरेस्टिंग है, जितना खूबसूरत है, जितना एंटरटेनिंग है, आपका ऐड भी उतना ही एंटरटेनिंग होना चाहिए, चाहे वो आप ह्यूमर से करें, ड्रामा से करें, किसी भी तरह से करें। जब तक आपका ऐड उतना एंटरटेनिंग ना हो जितना एंटरटेनिंग एक फिल्म है या एक टीवी शो है, तब तक आपका ऐड रजिस्टर नहीं होगा। सर यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, नए हैं, एंथुजियास्ट हैं, किसी के पास कुछ सपने हैं, किसी के पास कोई कहानी है, किसी के पास कुछ आधे बने गीत होंगे, उन सब के सपनों में कहीं सिनेमा भी होगा कि कोई अच्छा सिनेमा बनाएं, अच्छा सिनेमा लिखें या उसका पार्ट बने, आप कोई रास्ता बता सकते हैं, कोई एक उनको कुछ ऐसा कि वो कैसे उसमें आगे बढ़ें, और अगर वो स्क्रिप्टिंग में जाना चाहते हैं या वो लिरिक्स लिखना चाहते हैं तो ऐसा क्या करें, वो क्या तैयारी है जो किसी को एक सफल पटकथाकार या गीतकार बनाती है? पहली बात तो ये कि सिनेमा जो है वो साहित्य नहीं है, साहित्य से सिनेमा पैदा होता है, कुछ मशहूर उपन्यास पे फिल्में बनी हैं, साहिबी गुलाम, तीसरी कसम, देवदास, महान फिल्में बनी हैं, मगर सिनेमा साहित्य नहीं है। इसलिए उपन्यास लिखना शायद उतना मुश्किल नहीं है, ना कहानी लिखना, फिल्म के लिए लिखना जो है वो आसान नहीं है, मगर असंभव नहीं है, क्योंकि उसका एक व्याकरण है, उसमें थोड़ा साहित्य भी है, थोड़ी इंजीनियरिंग भी है,
क्योंकि फिल्म की अपनी ज़रूरतें, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसको पूरी करनी पड़ती हैं, और वो सीखने की बात है, वो सीखना पड़ता है। जैसे आप इंजीनियरिंग सीखते हैं, जैसे आप मेडिकल साइंस सीखते हैं, जैसे आप आर्किटेक्चर सीखते हैं, जैसे आप संगीत सीखते हैं, बिना सीखे आप संगीतकार नहीं बन सकते। कम से कम जो 7 सुरों का ज्ञान तो आपको होना चाहिए, उसके बिना आप संगीत नहीं कर सकते। वैसे ही जो फिल्मों का लेखन है उसमें भी थोड़ा साइंस है, थोड़ी इंजीनियरिंग है और थोड़ा साहित्य भी है। और क्यों अलग है, मैं थोड़ी सी उसके उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसमें पहली बात, ये फिल्म शुरू कैसे होती है। फिल्म पहले एक आइडिया से शुरू होती है कि भाई एक आइडिया है। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया कि रंग दे बसंती का आइडिया क्या था, कि भगत सिंह आज होता और जवान होता तो क्या करता, और ये 1999 की बात है। एक आइडिया था, मगर ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक आइडिया है। अब इस आइडिया को कहानी में ढालना जो है वो एक पूरी अलग, एक उसका जो व्याकरण है, वो ग्रामर है, जिसको मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग है। इसके लिए पहले ये थोड़ा समझ लें, क्योंकि ये बड़ा उपयोगी है। और जो आप तो खैर लोग ज़्यादा पता नहीं होगा शायद, हमारी इंडस्ट्री में बहुत लोगों को ये बुनियादी चीज़ नहीं मालूम है कि आखिर कहानियाँ हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। वाई डू वी नीड स्टोरीज, हम कहानी के बिना जी क्यों नहीं सकते। रोटी है, कपड़ा है, मकान है, साथ में एक बीबी या पति है, कहानी क्यों चाहिए यार। कहानी के बिना हम जी क्यों नहीं सकते, वाई नॉट। कहानी इतना अहम क्यों है हमारी ज़िंदगी के लिए। आज भी लाखों कहानियाँ लिखी जा रही हैं, हजारों फिल्में बन रही हैं, क्यों बन रही हैं? क्या हम उनके बिना जी नहीं सकते? नहीं जी सकते, उसकी वजह है। और मैं थोड़ा सा उस पर बात करूं, ताकि जब आप कहानी पर सोचें या लिखें तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हो कि आप क्यों, किस लिए लिख रहे हैं, इस कहानी का मकसद क्या है, क्यों लिख रहे हैं। स्पेन में एक अल्टामीरा की गुफाएं हैं, आदिमानव की, करीब 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड गुफाएं हैं, और बड़ी अजीब सी गुफाएं हैं। जैसे उसमें गुफाओं में तस्वीरें होती हैं, ड्राइंग जिनको बोलते हैं केव ड्राइंग्स, उसमें शिकार के सीन है कि भाई एक आदिमानव का ग्रुप है, 4-5 लोग का ग्रुप है, वो शिकार करने जा रहा है। और शिकार किसका करना है, जंगली भैंसे का, बहुत ही बड़ा जंगली भैंसा है। जो तस्वीर है उसमें जंगली भैंसा बहुत ही बड़ा दिखाया है। फिर वो कैसे उसको घेरते हैं, वो जंगली भैंसा एक दो को उठा के फेंक देता है, उनकी डेथ हो, मर जाते हैं, फिर भी ये लोग लगे हुए हैं, और अंत में ये जंगली भैंसे का शिकार करने में सफल होते हैं, ये ग्रुप जो है। उसमें जो आश्चर्यजनक बात यह है गुफा में, कि आदमियों के उसमें 2 की जगह 4 हाथ 4 पैर, और जंगली भैंसा उसके 8 पैर ऐसे दिखाए गए हैं, और दीवारों पे गुफा की धुएं के निशान हैं, धुएं के निशान। और जो जानकार लोग कहते हैं कि शायद रात को जो आदिमानव है मशालों की रोशनी में ये तस्वीरें देखता था, और जो मल्टीपल लेग्स एंड आर्म्स हैं, 4 हाथ 4 पैर 8 पैर, ये मशालों की कांपती हुई रोशनी में थोड़े वो घूमते चलते फिरते नजर आते थे, कि वो गुफा जो है वो दुनिया का पहला सिनेमाघर था। और वो क्यों देखते थे, वो देखते क्यों थे, क्योंकि जब अगले दिन वो जाएं असली शिकार पे, क्योंकि कहानी में तो उन्होंने जंगली भैंसों को मार दिया, जो उन्होंने तस्वीर बनाई है वो तो उनके हाथ में थी बनाना तस्वीर, उन्होंने उसमें जंगली भैंसों को मार देते हैं एंड में, वो अपना खड़े हैं जंगली भैंसा पड़ा हुआ, और तो तस्वीर में तो उन्होंने जंगली भैंसों को मार दिया, असली ज़िंदगी में जब वो सामने जाएंगे तो जंगली भैंसा रियल है। मगर चूंकि रात को ये देख चुके हैं कि हमने जंगली भैंसा मार लिया, एक हौसला है उनके अंदर कि हम मार सकते हैं, हम छोटे हैं, जंगली भैंसा बहुत बड़ा है, हमारे पास पत्थर वत्थर के सिवा हथियार नहीं, फिर भी हम मार सकेंगे, और लोग मार पाते थे। तो ये जो अनुभव था उनका, ये उम्मीद जगाता था, हिम्मत देता था, हिम्मत देता था। आज भी हम वही कर रहे हैं, हम जब थिएटर में जाते हैं देखने, आप
आप जन कभी सोचा आपने कि थिएटर में इतना आग बबूला क्यों दिखाते हैं? गोलीबारी, विध्वंस, भूकंप आ गया, आग बरस गई, ये मर गया, वो मर गया, फायर बॉल हो गई, यही क्यों देखने जाते हैं हम? किसी का हार्ट ब्रेक हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें से कोई बीमार हुआ, किसी को कैंसर हो गया, जो भी आपदाएँ हैं हमारी ज़िंदगी की, वो सारी आपदाएँ हम फिल्मों में देखने जाते हैं, क्योंकि एक तरह से ये एक वाइकेरियस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि एक सेकेंडरी एक्सपीरियंस है, कि आप एक किरदार के माध्यम से उसका उसकी जो तकलीफ है, उसकी जो सफरिंग है, वो भोग चुके होते हैं। अगर देवदास में देवदास का दिल टूटता है और आपने फिल्म देखी है, असली ज़िंदगी में जब आपका दिल टूटता है, आप थोड़े तैयार होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो सिनेमा है ये एक इमोशनल जिम है, ये जिम है, आप जिम जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, सिनेमा जो है वो इमोशनल बॉडी बिल्डिंग है, कि आप वहाँ हंसते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं, रोमांस करते हैं, जो जो भी किरदारों के साथ हो रहा है आप उसको अनुभव खुद अनुभव कर रहे हैं, और ये अपील है सिनेमा की, इसीलिए भूख है। एक दूसरी वजह भी है, ज़िंदगी जो है वो बड़ी अनफेयर है, हम सब मानते हैं कि लाइफ में, ज़िंदगी में बदमाश आदमी जीत जाता है, अच्छा आदमी हार जाता है, बदमाश हैं वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, अच्छे आदमी भुगतते रहते हैं, लाइफ में कोई इंसाफ नहीं यार, फिर हम जिए क्यों, आखिर हम जिंदा क्यों रहे हैं जब लाइफ में कोई इंसाफ ही नहीं है? जो मेरा हक था मुझे मिला नहीं, मैं जिसके योग्य था वो मुझे मिला नहीं, ना मुझे पहचान मिली, ना पैसा मिला, तो मैं क्यों जीऊँ? तो लाइफ इज़ वेरी अनफेयर। फिल्में जो हैं हमें एक सुकून देती हैं, कम से कम फिल्मों में अच्छा आदमी जीतता है, बुरा आदमी हारता है, इंसाफ मिलता है, जो किरदार है जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है उसको इंसाफ मिलता है। फिल्में हमें होप देती हैं, ये बहुत ज़रूरी है, होप के बिना हम जी नहीं सकते। हमारे आसपास जो भी माहौल है, जो ज़िंदगी है, जो हकीकत है, वो इतनी खतरनाक है, इतनी चुभती हुई है, कि हमें सिनेमा से होप लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सिनेमा हमारे लिए इसलिए इतनी ज़रूरी है, इसलिए जब हम कहानियाँ लिखते हैं तो कहानियाँ लिखते हुए चीज़ें ख्याल में रखनी पड़ती है कि आखिर क्या मेरी कहानी में कुछ ऐसा है जो किसी को होप देता है। और होप का मतलब ये नहीं कि हमेशा हैप्पी एंडिंग ही हो, निगेटिव एंडिंग में भी एक होप है, निगेटिव एंडिंग है या अनहैप्पी एंडिंग भी है, उसमें भी सबक होते हैं। सबक इसलिए होते हैं कि उसमें कुछ ऐसा होता है कहानियों में कि भाई एक आदमी का जो स्ट्रगल है, भले वो हार जाए कोई बात नहीं, अगर हम ज़िंदगी में हारते हैं तो हम हार के अपनी हिम्मत नहीं छोड़ देते, वो हार हमें हिम्मत देती है, कोई बात नहीं, ये मेरे साथ भी हो सकता है, अगर ये हीरो के साथ हुआ तो ये मेरे साथ भी हो सकता है, तो मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ। हम ज़िंदगी को झेलने के लिए, सिनेमा जो है हमें ज़िंदगी को झेलने के लिए तैयार करता है। इस मुल्क में पहले सिर्फ शादियाँ होती थी, इश्क वगैरह नहीं होता था, फिल्मों ने इश्क करना सिखाया इस मुल्क को, और इश्क के लिए हिम्मत और इश्क के लिए बगावत करनी सिखाई है। एक थोड़ा सा एक फार्मूला मैं बता दूँगा आपको, जब आप कहानी लिखते हैं फिल्म के लिए, चार सवाल हैं जिसका जवाब कहानी को देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके पहले कि आप कुछ भी लिख दें कहानी, यार मैंने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, क्या हर्ज है इसमें, चार बुनियादी सवाल हैं जो हर कहानी को उसका जवाब देना पड़ता है अगर वो फिल्म के लिए लिखी गई है। चार सवाल जो हैं, हु, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, कौन, क्या, क्यों और कैसे। कौन मतलब ये कहानी किसकी है, हुज स्टोरी इट इज़, क्योंकि फिल्म शुरू होने के 10 मिनट के अंदर ऑडियंस ये तय करना चाहती कि मैं किसके साथ हूँ, मैं किसकी स्ट्रगल के साथ हूँ, किसकी जर्नी के साथ हूँ, किसकी कहानी में मैं उसके साथ हूँ, वो अपना हीरो तय करना चाहती है पहले 10 मिनट के अंदर ही, नहीं तो ऑडियंस बैठी कन्फ्यूज है कि यार वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक ही कर रहा है, मैं क्या करूँ। नहीं, आपको ये बताना कहानी को ज़रूरी है कि ये कहानी किसकी है, किसकी कहानी कही जा रही है, हुज स्टोरी इट इज़, हु पहला जो सवाल है, कौन, किस कहानी किसकी है, वो किरदार कौन है आपकी कहानी का। और वो आवश्यक नहीं कि वो बहुत अच्छा किरदार हो, बहुत शरीफ हो और बहुत सभ्य हो, आदर्श हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, फैसिनेटिंग होना चाहिए, लाइकेबल, कि यार कल आप उससे मिलना चाहें,
यू आर नॉट बैड, इंटरेस्टिंग लड़का है. क्योंकि आम आदमी में तो अक्सर हम लोग बड़े बोरिंग लोगों से मिलते रहते हैं, कम से कम फिल्म में जो किरदार है वो इतना इंटरेस्टिंग हो, इतना एक्साइटिंग हो कि यार मैं इसके साथ चलने को तैयार हूँ, मैं ये पूरी कहानी देखने को तैयार हूँ कि आदमी के साथ क्या होता है, क्यों होता है वगैरह वगैरह, चाहता क्या है. पहला सवाल किसकी कहानी है, दूसरा व्हाट, व्हाट का मतलब कि ये शख्स चाहता क्या है, इसका एजेंडा क्या है, व्हाट डज ही वांट, वो ज़िंदगी में उसको क्या चाहिए. उसको इस कहानी में, कम से कम इस कहानी में उस किरदार को क्या चाहिए वो डेफिनेट पक्का होना चाहिए आपकी कहानी में, उसके बिना कहानी भटक के रह जाएगी. उसको एक, जिसको हम कहते हैं गोल, एक उद्देश्य जो है, एक गोल उसको देना ज़रूरी होता है, जो किरदार है मुख्य किरदार है, कि व्हाट डज ही वांट, उसकी डिज़ायर क्या है. क्योंकि कहानी जो है बेसिकली, जो हम लोग कहानी के बारे में सोचते हैं कि कहानी जो है असलियत और अपेक्षाओं के बीच एक संघर्ष है, एक जो असलियत हकीकत जो है ज़िंदगी की, और जो वो किरदार चाहता है कि ऐसा हो, ये लड़की मिल जाए या धन मिल जाए या पैसा मिल जाए या कुर्सी मिल जाए या यहाँ मैं जीत जाऊँ या वहाँ मैं जीत जाऊँ, वो डिज़ायर उसकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि शख्स को चाहिए क्या. आप अगर कामयाब फिल्म देखें आपको आराम से ये फार्मूला अप्लाई करेंगे आप कि उसकी डिज़ायर क्या है, वो चाहता क्या है. थर्ड जो है क्वेश्चन कि वाई, वाई का मतलब ये है कि अगर ये उसको ये चीज़ नहीं मिली तो इसको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, व्हाट इज़ एट स्टेक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टेक, उसने क्या दांव पे लगाया है वो चीज़ हासिल करने के लिए, अपना मकसद हासिल करने के लिए इस बख्शख्स ने क्या दांव पे लगाया है, अपनी ज़िंदगी, अपनी इज्जत, अपनी दौलत, जो भी है. तो क्या नुकसान इसका होने वाला है अगर इसको ये चीज़ नहीं मिली, तो इसका क्या, तो वाई जो है वो क्यों उस चीज़ को पाना चाहता है और नहीं पाने से इसका क्या नुकसान होगा, इसका उसके उसको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी. अब रामायण की कहानी लीजिए कि भाई अगर शुरू के छोड़ दिया जाए कि भाई सिंहासन मिलना था तो जंगल जाना पड़ा, सीता चोरी हो जाती है, अब उसको सीता वापस लाना है. सीता क्यों वापस लाना है, अभी मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ रामयुग करके, मेरे मित्र हैं मुझे कुणाल कोहली रामायण बना रहे हैं दो पार्ट में, तो मुझे बोला, मैंने कहा मुझे रामायण को इन्वेंट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत. सीता क्यों, क्योंकि उस समय में कोई भी राजा आराम से 2-3-4-5 शादियाँ कर सकता था, सीता गई तो गई, किसी और से शादी कर लो, आसान था उनके लिए. मगर नहीं, राम और सीता का जो 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 प्रेम था, जिसको आज तक किसी किताब ने कहानी में अंडरलाइन नहीं किया गया, रामायण ने भी अंडरलाइन नहीं किया, ना वाल्मीकि ना तुलसीदास ने, कि एक बंदा जो है 3000 किलोमीटर चल के दक्षिण में लंका जाता है अपनी बीबी को वापस लाने के लिए, उस समय में जब कोई भी राजा या राजकुमार एक से अधिक पत्नियां रख सकता था आराम से, उसको बीबी वापस चाहिए. क्यों चाहिए, अगर नहीं सीता मिली तो क्या होगा, अयोध्या में क्या मुंह दिखाएगा वो, अयोध्या में किसको क्या मुंह दिखाएगा वो राम, ये व्हाई है उसकी. हु व्हाट व्हाई हाउ इज द प्लॉट, हाउ का मतलब कि वो कैसे अपना मकसद हासिल करेगा, अपनी डिज़ायर पूरी करेगा, जो उसका गोल है उसको अचीव करेगा, वो हाउ इज़ द प्लॉट, वो बात थोड़ी टेक्निकल है. हाउ का फार्मूला बड़ा सिंपल होता है, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं कि भाई जैसे एक बच्चा है और उसको आपने आम के पेड़ पे चढ़ा दिया कि जा बेजा बेजा चढ़ जा आम तोड़ के ला, वो तो बच्चा चढ़ गया, बड़ी इनोसेंटली चढ़ गया पेड़ पे आम तोड़ने के लिए, फिर आपने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, बच्चा घबरा गया, यार तो आम तोड़ने भेजा गया था, ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, फिर आपने और बड़े पत्थर फेंकने शुरू किए, वो लड़का मुश्किल में पड़ गया. दिस इज द प्लॉट, कि आप जो नायक है, जो हीरो है, उसकी मुश्किलें कैसे बढ़ाते जाएं, छोटे पत्थर से बड़े पत्थर, छोटी अड़चन से बड़ी अड़चन. और चूंकि फिल्मों में अक्सर एक निगेटिव फोर्स होता है, एंटागोनिस्ट जिसे कहते हैं, विलेन, उसका भी अपना प्लान है, उसकी भी अपनी कहानी है. हर कहानी दो लोगों की कहानी है, एक हीरो और एक विलन जो है, वो जो विलन है
उसका दो मकसद है, एक मकसद यह है कि हीरो को कामयाब नहीं होने देना, और दूसरा हीरो जो चीज़ हासिल करना चाहता है खुद भी हासिल करना। तो हीरो हैज़ टू फाइटिंग ऑन टू बैटल्स सेम टाइम, और यह सारी बातें रिवील होती है कहानी जो फिल्म का प्लॉट है, वो कैसे आप उसकी मुश्किलें बढ़ाते हैं और फाइनली कैसे उस लड़के को उतारते हैं आम के फल के साथ और फिर आप आम खाते हैं। दैट इज़ द रेजोल्यूशन। ये पूरी यात्रा जो है बड़ी सिंपली जो मैंने बताया कि आप जो शुरुआत करते हैं फिर उसमें कैसे अड़चने डालते हैं, रुकावटें डालते हैं, रुकावटें बढ़ाते जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बीच में रिलीफ भी देते हैं कि चलो यार थोड़ा सा अभी मामला हल हो गया अब क्या, फिर अचानक उससे बड़ी अड़चन आ जाती है, फिर और बड़ी अड़चन आ जाती है, देन फाइनली यू एंड अप इन द क्लाइमैक्स कि जहाँ जो आपका एंडिंग हो कि हीरो जीतता है या हारता है उसके हिसाब से आप कहानी का अंत करते हैं। तो एक बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जो मैंने कहा कि हु व्हाट व्हाई एंड हाउ, ये बड़े बुनियादी सवाल हैं जो हर फिल्म की कहानी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर ये जिनका जवाब नहीं है कहानी में तो फिर कहानी फिर ऑडियंस उसको पकड़ नहीं पाएगी, ऑडियंस उसमें डूब नहीं पाएगी, ऑडियंस में बिल्कुल डूब नहीं पाएगी। सिनेमा, वेब सीरीज एंड डेली सोप में क्या डिफरेंस है और इसके लिखने के प्रोसेस क्या है? बिल्कुल, जो ये आप वेब सीरीज की बात कर रहे हैं उसकी एक एडवांटेज ये है, और मैं उसका करता हूँ स्वागत, मेरे लिए वो स्वागत योग्य है। भले ठीक है कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि थोड़ी अश्लीलता आ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, मैं उससे राजी नहीं हूँ, क्योंकि समाज भी बदल रहा है, समाज भी बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, हम शिक्षित हो रहे हैं। अब हमारे सामने कंपेयर करने के लिए दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फिल्में हैं, हॉलीवुड की फिल्में हैं, हॉलीवुड के टीवी शोज़ हैं, कंपेयर करने के लिए हमारा ऑडियंस मैच्योर हुआ है, एजुकेट हुआ है कि नहीं यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी संभव है। आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने इस लंबे सत्र में श्री कमलेश पांडे को सुना। कमलेश जी, आपका आभार, धन्यवाद।